शिवपुरी की धरा पर आगामी 12 नवंबर को एक साथ 11,000 सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन स्थान प्लेग्राउंड पर दोपहर 2 बजे होने जा रहा है। राष्ट्र शांति की भावना से सनातन धर्म प्रचार के जन जागरण के इस अद्भुत ऐतिहासिक आयोजन का उत्साह हर हिंदू परिवार में है। शिवपुरी शहर के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण अंचलों में भी अखिल भारतीय जानकी सेवा संगठन के तत्वावधान में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि हर वर्ग के श्रद्धालु भाई बहन सपरिवार इष्ट मित्रों सहित जाति वर्ग ऊंच नीच के भेदभाव को त्याग कर एक ही स्तर पर साथ बैठकर समभावना समरसता के साथ रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड का पाठ करते परिवार समाज राष्ट्र के उद्देश्य पूर्ण उल्लेखित महान कार्य कर सके। हमारे प्रतिनिधि से एक भेंट वार्ता में राष्ट्रीय कथा व्यास जानकी सेना संगठन के मार्गदर्शक और सदस्य पंडित अजय शंकर महाराज ने बताया कि जानकी सेना का उद्देश्य घर घर सुंदरकांड हर घर सुंदरकांड इसी अभियान की व्यापकता के लिए जानकी सेना के संस्थापक और विस्तारक महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज के सानिध्य में जानकी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिय विक्रम सिंह रावत के युवा दृढ़ संकल्प के संगठन से प्रभावित हजारों कार्यकर्ता भारतवर्ष के अनेक राज्यों में तो शामिल हुए हैं, साथ ही विदेशों से भी भक्त शामिल हो रहे हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। एक खुशी का विषय है कि शिव की नगरी शिवपुरी में एक अद्वितीय प्रोग्राम करने का ताला वाला बुना गया, जिसमें माता जानकी जी ने कुछ ऐसी प्रेरणा दी कि क्यों ना कोई एक भव्य आयोजन। जानकी सेना संगठन के तत्वावधान में आगामी 12 नवंबर के दिन ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विश्व शांति की कामना से इस आयोजन में सुंदरकांड की में 11,000 से अधिक लोग एक साथ एक ही स्थान पर बैठ के सुंदरकांड का पाठ करेंगे। तकरीबन 1,000 से अधिक लोग शहर से बाहर भी आएंगे, बाकी जो स्थानीय लोग रहेंगे जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं। पार्किंग की व्यवस्था में शहर के अलग अलग 10 स्थान चयनित किए गए हैं जहाँ पर उन लोगों के वाहन पार्क होंगे, और जैसा कि आपने देखा कि स्थानीय पोलो ग्राउंड में पूरी एक बैठक व्यवस्था बनाई गई है, चूँकि बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, तो जो पूरी बैठक व्यवस्था बनाई गई है उन्हें भी रामायण के नामों के आधार पर इसमें जोड़ के अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, और इन कंपार्टमेंट में तकरीबन एक कंपार्टमेंट में 2,500 लोग बैठेंगे। और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।